Hello, learners. This is Alisha Mahajan from One Academy as well as this Alisha Academy as well. So, guys, अब हमने ना rules करने हैं, लेकिन rules से भी पहले ना आपने ये तो देख लिया trick कौन कौन सी है याद करने की, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना वो चार figures होती कौन सी हैं. So, आज के lecture video में मैं आपको figures बताऊंगी कौन कौन से तरीके की होती हैं. ठीक है, so let's get started. So, figures is like कि अगर आपकी कोई स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट लेते हैं M को गाइज हम बोलते हैं. जब हमने पहला स्टेटमेंट करा था तो उसमें M जो वर्डिंग थी उससे हम बोलते हैं मिडल पार्ट, S बोलते हैं सब्जेक्ट को और P बोलते हैं प्रेडिकेट को. ठीक है, इस चीज को समझेंगे, प्रेडिकेट को. अब यहां से ना हम चलते हैं अपनी फर्स्ट वाली स्लाइड पर. यहां पर देखिए, ये देखो, इस वाली एग्जाम्पल से अब हम देखेंगे आपका M क्या है, P क्या है. जैसे पहली फिगर हमने बोली, यहां से ना सारी की सारी फिगर्स बनाएंगे. जैसे M इज P, ठीक है, S इज M, देयरफॉर S इज P. अब ध्यान से देखिए, ये वाली जो पहली फिगर पता क्या कहती है, पहली फिगर कहती है कि आपका जो मिडल टर्म है ना वो इस तरीके से आना चाहिए. इस तरीके से मतलब ये, इस वाली फिगर में मिडल टर्म क्या है, इस वाली फिगर में गाइज आपका मिडल टर्म है दिस. एंड ये वाली फिगर को अब हम बनाते हैं, ये क्या बोलते हैं इस फिगर के रिलेशन में. इस फिगर के अकॉर्डिंग हमारा बर्ड्स क्या होता है गाइज, बर्ड्स क्या है हमारा, डॉग हो होता है हमारा, कौन सा वाला टर्म, सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट. सो डॉग है हमारा प्रेडिकेट, प्रेडिकेट. सो ये वाली फिगर कैसे बन रही है ये देखते हैं हम. ये पी इज एम और डॉग क्या है हमारा, हमने पिछले में यही डिस्कस करा है. अगर आपने ये चीज नहीं करी है तो पहले पहली वाली लेक्चर वीडियो में जाएं. सो डॉग्स है हमारा सब्जेक्ट, दैट इज सब्जेक्ट आर, आर है ना, आर एम, एम फॉर मिडल, क्योंकि मिडल टर्म होती है दो बार अक्कर तो मैमल मैमल. देयरफॉर इसका रीजन, इसका क्या कंक्लूजन होता है, एस इज पी. सो सबका एस इज पी ही आना है एट द एंड, लेकिन ये वाली जो स्टेटमेंट है उसका ये बना है रूल. ठीक है, सो इट मींस आपने हर स्टेटमेंट में से ये निकाल लेना है कि हमारा पी क्या है, प्रेडिकेट वर्ड क्या है, सब्जेक्ट क्या है, पहले वाले स्टेटमेंट में क्या वर्ड है. पहले वाली लाइन जब हमने देखी बर्ड्स, तो हमें तो पता है बर्ड्स हमारा प्रेडिकेट है. तो आपके यहाँ के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट बनेगी पी आर, ये मिडल टर्म मैमल्स, सॉरी मैमल्स मिडल टर्म है, यस. डॉग्स हमारा क्या है, माइनर टर्म, और जिसको हम सब्जेक्ट भी बोलते हैं, सब्जेक्ट इज मिडल. और देयरफॉर लास्ट में हम क्या करेंगे, एस इज सब्जेक्ट, क्योंकि ये कॉमन हो गया ना, एम एम कॉमन हो गया. इट मींस फिगर्स से आपको इस बात से ये क्लैरिटी होती है, हमने यहाँ पर फिगर्स ढूंढनी होती है, दैट इज हमारा जो मिडल टर्म है वो किसी डायग्राम में, किसी क्या कहते हैं, फिगर में कहाँ पर लाई कर रहा है, ये आपको देखना होता है. सो गाइज, जो हमारी फर्स्ट फिगर कहती है, हमारी जो फर्स्ट फिगर होती है उसको हम समझेंगे. फर्स्ट फिगर क्या बोलती है कि इट शुड बी लाइक दिस, दैट मींस ऐसे, इस तरीके से. दैट मींस पहली स्टेटमेंट में तो हमारे वो किसमें आनी चाहिए, फर्स्ट पर आनी चाहिए. फर्स्ट पर आनी चाहिए मतलब फर्स्ट पर आने चाहिए का मतलब पता क्या होता है, दैट मींस अगर हम ये ले ऑल मेन, ऑल मैमल्स आर मेन, और यहां पर अगर हम लिख दें ऑल मैमल्स आर बर्ड्स. ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे दोनों के दोनों फर्स्ट पर है, लेकिन हमने फर्स्ट फिगर का क्या रूल है, जो हमारी मिडल टर्म है वो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट में फर्स्ट पे आनी चाहिए, दैट इज एम इज पी. अब इसको मैं आपको कैसे बताऊंगी,
इस पर्टिकुलर लाइन में गाइस जो हमारा मैमल है वो तो हमारा मिडल टर्म है और ये हमारा प्रेडिकेट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में ना ऑल के साथ मैमल नहीं आना चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट फिगर कहती है मैमल आपका आएगा सेकंड नंबर पर, दैट इज यहां पर आना चाहिए था। ठीक है, इस चीज को अब हम और बारीकी से समझते हैं। सो आपने बेसिकली अभी फिलहाल बिना कोई दूसरा थॉट लिए, क्योंकि जब तक मैं आपको चारों के चारों वीडियोस नहीं ना करवा दूंगी, तब तक आपने ये नहीं बोला मैम समझ नहीं लगा या हमें क्लियर नहीं है। पहले सिर्फ आपका सुनने का काम है, क्यों आप अभी नए नए हो इसको याद करने में। सो फर्स्ट फिगर क्या कहती है, इट शुड बी लाइक दिस, मतलब पहली स्टेटमेंट में वो पहले पर आना चाहिए, दैट इज ऑल के साथ ही। दूसरी स्टेटमेंट में जैसे ऑल मैन आर कोवर्ड हो, ऑल मैन आर अगर समझो, कोवर्ड है, तो ये होता है कि सेकेंड लाइन में यहां पर आना, मतलब अगर मिडल टर्म सेकेंड वाली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो मिडल टर्म है हमारा वो एंड में आना चाहिए, ये मतलब होता है कि पहले पर आना चाहिए कि एंड पर आना चाहिए। ठीक है, पहले पर आने चाहिए का मतलब है ऑल मेन आर नाइस, जो हमारा मिडल टर्म है वो यहीं पर आ गया है। ठीक है, सो अब इसके ऊपर और ज्यादा ना खींचते हुए हम इसको समझ लेंगे यहीं पर कि फर्स्ट फिगर में हमारी शेप होती है दिस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, दैट इज मिडल टर्म हमारा ये होगा। सिर्फ एमएम को ढूंढना है, कॉमन को जो मिडल है। अब सेकेंड फिगर को देखें, सेकेंड फिगर में वो गाइस कहाँ पर होना चाहिए, राइट साइड पर। अभी सिर्फ रिवाइज कीजिए, बाद में समझ लगेगी, राइट साइड पर। थर्ड फिगर देखें, थर्ड फिगर क्या कहती है, कहां पर होना चाहिए, लेफ्ट साइड पर। ये सबको आपने रिवाइज करना है अभी। और लास्ट क्या कहती है, कहां पर होना चाहिए, इट शुड बी लाइक दिस। तो हमने देखा पहले पर मिडल फर्स्ट फिगर में ऐसी होनी चाहिए, सेकंड फिगर पे वो राइट पर स्ट्रेट होना चाहिए, थर्ड फिगर पर वो लेफ्ट पर स्ट्रेट होना चाहिए, और फोर्थ फिगर जो कि ये है आपकी ये वाला, ये इस तरीके से होना चाहिए। आई होप आप सब अब फिगर्स क्या होती हैं, कैसे हमने देखना है कि कोई फिगर फर्स्ट फिगर है, सेकंड फिगर है, थर्ड फिगर है कि फोर्थ फिगर है, ये आप कैसे पता लगाएंगे। सो आई होप गाइज आपको ये क्लियर हो गया है। अब हम चलेंगे रूल्स पर। पांच रूल्स होते हैं, उसको हम करेंगे डिस्कस वन बाय वन। ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो आज मैं आपको सिर्फ रूल करवाऊंगी दो। ठीक है, इसको समझेंगे। पहला रूल कहता है, ये है रूल ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब फॉर्मेशन पर रूल, जब हमने मूड्स एंड फिगर्स बनाने हैं तो उसको कैसे देखना है कि ये बनने में, दैट इज दिखने में ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो अब उसको समझते हैं। पहला रूल कहता है, देयर शुड बी थ्री एंड ओनली थ्री प्रोपोजिशन। थ्री प्रोपोजिशन का मतलब है हमारी दो होनी चाहिए स्टेटमेंट और तीसरा होना चाहिए कंक्लूजन, इससे ज्यादा ना हो कुछ। एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल से समझ आएगा आपको गाइस। लेट्स राइट द एग्जाम्पल, साथ साथ मेरे एग्जाम्पल लिखिए आप, तभी आपको क्लैरिटी होगी इस चीज की। ठीक है गाइस, एग्जाम्पल लिखिए साथ साथ, स्टार्ट करें या मेक श्योर आप सबने कॉपी पेन ले लिया है, क्योंकि अगर आपने कॉपी पेन नहीं लिया है तो प्रॉब्लम होगी। थ्री प्रोपोजिशन का आप क्या मतलब है, देखो अगर मैं लिखूं, पहली स्टेटमेंट लिख लीजिए ऑल मेन आर मॉर्टल, सभी लिखे गाइस ऑल मेन आर मॉर्टल, यहां से लिख देती हूँ ताकि आप सबको दिख जाए ऑल मैन आर मॉर्टल। सेकेंड में लिखे ऑल इंडियन आर मैन, थर्ड पर लिखे ऑल पंजाबीज आर इंडियंस, ये आप साथ साथ लिखेंगे
एंड लास्ट पर मतलब कॉन्क्लूजन निकलता है. सो देयर फॉर कॉन्क्लूजन निकलता है ऑल पंजाबीज पंजाबीज आर मॉडल. ठीक है. सो गाइज ये रूल है कि चार स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए. सो जो अभी मैंने चार लिखी है ये हो जाती हैं गलत, कि तीन से ज्यादा प्रोपोजिशन नहीं होनी चाहिए. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस. नाउ नाउ सेकेंड स्ट्रक्चर का रूल क्या कहता है, कि जब भी आपने देखना है स्टेटमेंट को तो उसमें जो वर्डिंग है ना वो भी, दैट इज टर्म्स जो है वो भी तीन होनी चाहिए. तीन होनी चाहिए. अब तीन होनी चाहिए इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं. इसको समझते हैं गाइस. देखिए एग्जाम्पल लिखे, पहली स्टेटमेंट माई हैंड टचेस द पेन. दूसरी स्टेटमेंट लिखे द पेन टचेस द पेपर. तीसरा लिखे माई हैंड टचेस द पेपर. सो गाइज इसमें देखिए मिडल टर्म तो आपको मिल गई, टचेस टचेस ये होता है मिडल टर्म. लेकिन इसमें चार कैसे है, एक तो हो गया टच वाला, दूसरा हो गया हैंड, तीसरा हो गया पेन और चौथा यहां पर पेपर भी तो है ना. सो इट मीन्स यहां पर कितने वर्ड्स आ गए बीच में, चार. तो रूल कहता है कि ये चार नहीं होने चाहिए. रूल कहता है कि ये चार नहीं होने चाहिए. ठीक है गाइज. सो आई होप गाइज यू आर क्लियर विद दिस. इतना ही समझिए इस क्लास के लिए. आगे की क्लास में इसको मैं काफी पार्ट्स में लाने वाली हूँ, सो दैट आप थोड़ा थोड़ा ग्रैप करें लेकिन समझिए अच्छे से. ठीक है. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में. स्टे ट्यून्ड फॉर द सेम. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग.